संघ के संविधान एवं प्राथमिक शिक्षकों के प्रति सदा निष्ठावान एवं कर्तव्यशील रहूंगा। मैं बायोस्टेट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। रविवार को प्राथमिक शिक्षा खंड स्वारघाट के चुनाव करवाए गए, जिसमें अनिल शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी सुरेश शर्मा को बारह वोटों से पराजित किया। प्राथमिक शिक्षा खंड स्वारघाट में कुल 204 मत थे, जिसमें से 196 वोट पोल हुए। उनमें से अनिल शर्मा को 104 और सुरेश शर्मा को 92 वोट मिले हैं और अनिल शर्मा को 12 वोटों से विजयी घोषित किया गया है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा खंड स्वारघाट की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सोमचंद को महासचिव, सुखदेव शर्मा को कोषाध्यक्ष, खेमराज को उप प्रधान, राकेश वर्मा सीएसटी को मुख्य संरक्षक व करमचंद सीएसटी को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। नव निर्वाचित प्रधान अनिल शर्मा ने सभी शिक्षकों का दूसरी बार फिर से प्रधान बनाने के लिए आभार प्रकट किया है और कहा कि वो बिना किसी भेदभाव के कार्य करेंगे और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सरकार के समक्ष रखकर उन्हें हल करवाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर विशेष रूप से पहुंचे प्राथमिक जिला शिक्षा के अध्यक्ष ने कहा कि आज जिला के 5 प्राथमिक शिक्षा खंडों में कार्यकारिणी गठित हो गई है, इसके बाद जिला स्तर पर भी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। News24 हिमाचल के लिए स्वारघाट से मंदीप राणा की रिपोर्ट। रमेश शर्मा, जिला प्रधान प्राथमिक शिक्षक संघ की, जिला बिलासपुर। ये जो आज शिक्षा खंड स्वारघाट के चुनाव हुए हैं, ये 5वां शिक्षा खंड था जिला बिलासपुर का। हमारे 5 शिक्षा खंडों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें सभी हमारे जो सहयोगी थे और जो हमारे झंडे के तले चल रहे थे, वो सभी 3 शिक्षा खंडों में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 2 शिक्षा खंडों में भारी बहुमत से जो है विजयी हुए हैं। सदर में बिशन ठाकुर जी तीसरी बार बने हैं और यहाँ अनिल शर्मा जी दूसरी बार बने हैं। तो मैं सबसे पहले तो शिक्षा खंड स्वारघाट के सभी प्राथमिक शिक्षकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। ये बड़े हर्ष का विषय है कि जो पूर्व में कार्य कर रही कार्यकारिणी है, उसको दोबारा लोगों का समर्थन मिला है और मैं उनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि हम शिक्षा और शिक्षक हित के लिए निरंतर जो है कार्य करते रहेंगे और उसमें अनिल शर्मा जी बहुत ही सुयोग्य अध्यक्ष रहे हैं। इनकी पूरी टीम जो है बहुत ही तन मन धन के साथ जो है शिक्षक सेवा और शिक्षक क्षेत्र में सुधार के लिए कार्य करती रही है, उस क्षेत्र में हम कार्य करते रहेंगे। और जिला बिलासपुर का जो आगामी चुनाव है वो भी लगभग निश्चित हो गया है, क्योंकि ये जो 5 शिक्षा खंड आज निर्वाचित हो चुके हैं, ये पूरी तरह से एक झंडे के नीचे हैं और इसमें किसी प्रकार की चुनाव की आशंका अब नहीं बची है। अब हमारा लक्ष्य जो है प्रदेश की ओर होगा, वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा संघ की कार्यकारिणी बने और हम अध्यापकों की समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो है राज्य स्तर से होते हुए जिला स्तर से लेकर खंड तक करें और प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए भरसक प्रयत्न करें, क्योंकि इसके अंदर कई समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं कि लगभग विगत 4 वर्षों से अपॉइंटमेंट रुकी हुई है। हमारे नर्सरी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, 55,000 के करीब बच्चे जो हैं उसके अंदर आ गए हैं, लेकिन कोई भी अध्यापक नियुक्त नहीं हो पा रहा है। मल्टीटास्क वर्कर का जो काम है वो लंबे समय से लंबित स्थिति में चल रहा है। तो प्राथमिक शिक्षा के अंदर कई बाधाएं जो हैं, उन बाधाओं के बावजूद ये दूरदराज का क्षेत्र है और यहाँ पर बड़े पद जो हैं, बड़ी संख्या में पद जो है रिक्त चल रहे हैं। तो हमारी सरकार से भी ये मांग रहेगी और उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे कि जल्द जो है नियुक्तियाँ प्रदान कर ये जो गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, ये एक मजदूर का बच्चा है जो इन प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ता है, उसको एक गुणात्मक शिक्षा जो है वो प्राप्त हो और ये जो जितनी भी हमारी लंबित नियुक्तियाँ हैं ये जल्दी हो। उसके कारण जो है शिक्षा खंड स्वारघाट ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो उस प्रभाव को जो बच्चों की शिक्षा के ऊपर पड़ रहा है उसको हम दूर कर पाएँ। और अन्य जो हमारे जैसे शिक्षा खंड के बारे में है, तो मैं भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि एक बड़ा शिक्षा खंड है तो यहाँ पर 2 शिक्षा खंड जो हैं होने चाहिए और नैना देवी के अंदर जो है एक नया शिक्षा खंड बने, उसके लिए हम भी जिला की ओर प्रयास करेंगे। मैं अनिल कुमार शर्मा, आज प्राथमिक शिक्षा खंड स्वारघाट के अध्यापकों के सहयोग और साथ से दूसरी बार मुझे जिम्मेवारी जो है वो मिली हुई है प्राथमिक खंड के प्रधान की। तो सबसे पहले तो मैं अपने शिक्षा खंड के सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। इसके साथ साथ मैं प्राथमिक शिक्षक संघ बिलासपुर के प्रधान श्री रमेश शर्मा, उनके समस्त कार्यकारिणी, बाकी चारों खंडों के हमारे जितने जो प्रधान हैं, होशियार सिंह ठाकुर जी, नरेश राणा जी, जोगिंदर लाल शर्मा जी, बसंत ठाकुर जी, उनका भी
मेरा भरपूर साथ देने के लिए, समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवादी हूँ। बाकी जिला और राज्य स्तर के साथ मिलकर के मैं और मेरी पूरे कार्यकारिणी जो है वो जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं अध्यापकों के, उनके समाधान के साथ साथ खंड स्तर पर जो भी कोई छोटी मोटी किसी की भी अध्यापक की समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास अपने शिक्षा खंड के सभी शिक्षक साथियों को दिलाता हूं। तथा साथ ही ये भी मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हमारे कार्य में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव या अन्य किसी भी प्रकार की कटुता जो है वो दृष्टिगोचर नहीं होगी। धन्यवाद। अपनी पहचान बनाना। जरूरी है बड़े ख्वाब देखना और ख्वाबों को हकीकत बनाना, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बायोस्टैट का बायोजाइम, बढ़ना जरूरी है।